हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो हाउ वी कैन ट्रेवर्स अ स्ट्रिंग नो व्हाट इज ट्रैवर्सिंग ट्रैवर्सिंग मींस हाउ वी कैन एक्सेस द करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग वन बाय वन हम स्ट्रिंग के करेक्टर को कैसे वन बाय वन एक्सेस करेंगे राइट ओके ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू आइट्रेटिंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग वन करेक्टर एट अ टाइम नज इट मीन इसका क्या मीनिंग है ट्रेवर्सिंग मीनिंग है कि हम स्ट्रिंग के करेक्टर को एक्सेस करेंगे करेंगे राइट ओके वन बाय वन मतलब एक बार एक करेक्टर एक्सेस करेंगे और जो भी आपको उस ऑपरेशन परफॉर्म करना हो करेक्टर्स पर वो आप ट्रेवर्सिंग की हेल्प से कर सकते हो राइट ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग मीन्स एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग वन

राइट अ लूप ओके अब क्या है? हमने traverse करना है हमें ट्रेवल्स करना है स्ट्रिंग करेक्टर्स को एक्सेस करना है वन बाय वन तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे उसके लिए हम लूप का यूज कर सकते हैं राइट right, आप वाइल्ड लूप का यूज कर सकते हो आप फोर लूप का यूज कर सकते हो ओके okay? आप लूप कोई भी लूप यूज कर सकते हो तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है आइट्रेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग यूजिंग इंग फोर लूप ओके फोर लूप की हेल्प से हम स्ट्रिंग के करेक्टर्स को आइट्रेट करेंगे एक्सेस करेंगे वन बाय वन ओके सो एस टी आर हमारा स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है पाइथन

राइट देन आई विल एक्सेस वाई अब आई किसको एक्सेस करेगा वाई को एक्सेस करेगा फिर आपका लूप इन साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे वाई प्रिंट हो गया ऐसे आपका फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा ओके देन स्पेस ओके एंड देन प्रोग्रामिंग ओके तो वन बाय वन क्या है आई विल एक्सेस करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग वन बाय वन यहाँ पे वेरिएबल आई स्ट्रिंग के करेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा ओके ओके एंड उसमें हमने क्या दिया लूप के इन हमने कौन सी कमांड दी है उसको प्रिंट करेक्टर को प्रिंट कराने की कमांड दी है तो यहाँ पे सिंपली क्या हो हो रहा है आपने जो भी स्ट्रिंग ली है वो प्रिंट हो रही है ओके okay? यहाँ पे दिस इज वॉट दिस इज द ट्रेवर्सिंग द स्ट्रिंग बाई यूजिंग द लूप ओके Now we have another example. Program to input a string and count number of vowels in it. Okay, तो यहाँ पे हम एक program बनाएंगे जहाँ पे हम एक string को input करेंगे और count करेंगे कि उस string में कितने vowels हैं, right? तो यहाँ पे first method हमारा क्या है? हमने string को लिया input, okay? Input function की help से हमने prompt uh, display कराया enter any string, okay? और जो भी string enter होगी वो कहाँ चली जाएगी? Str variable के अंदर चली जाएगी, okay? अब यहाँ पे हमने किया? एक वेरिएबल लिया काउंट और काउंट की वैल्यू क्या है जीरो, उसको कर दिया हमने जीरो से ओके अब 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 हम क्या करेंगे अब, जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट की है वो एस टी आर में गई है अब हमें उसको क्या करना है वन बाय वन उसके करेक्टर चेक करने हैं कि कोई करेक्टर uh, उसके अंदर वॉबल तो नहीं है तो करेक्टर चेक करने के लिए क्या करना होगा आइट्रेट करना होगा स्ट्रिंग को आइट्रेट करना होगा ओके आइट्रेट मीन स्ट्रिंग के Uh, uh, जितने भी करेक्टर है उनको वन बाय वन एक्सेस करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे लूप लगाएंगे तो हमने फोर 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 लूप का यूज किया, किया है है सी 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 एच 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 क्या क्या हमारा वेरिएबल इन अब करेगा जो भी आपने स्ट्रिंग एंटर कराई जैसे यहाँ पे देखो ये प्रॉम्प्ट टाया एंटर एनी स्ट्रिंग यहां तक एंटर एनी स्ट्रिंग आपने स्ट्रिंग को एंटर करा दिया पाइथन प्रोग्रामिंग अब सी एच क्या करेगा स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग है उसके पहले फर्स्ट करेक्टर को एक्सेस करेगा फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करेगा ओके okay. अब फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करने के बाद कंट्रोल इनसाइड लूप जाएगा लूप के अंदर जाएगा अब लूप के अंदर हमने कमांड क्या दी है हमने इफ कमांड दी हुई है इफ के अंदर हमने क्या किया किया हुआ है कंडीशंस दी हुई है इफ सी एच ओके कंपेरिजन ऑपरेटर हमने बना लगाया डबल इक्वल टू क्या होता है कंपेरिजन जो भी सी एच के अंदर वैल्यू है अगर वो क्या है ए ए के स्मॉल ए के इक्वल है या स्मॉल ई के इक्वल है या आई के इक्वल है या ओ के स्मॉल ओ के इक्वल है ओके okay? या यू के इक्वल है या कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू के इक्वल है तो क्या हो जाए जो काउंट वेरिएबल है उसमें वन ऐड हो जाए अभी तो काउंट की वैल्यू जीरो है ओके अगर कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी इस जो भी करेक्टर है वो ए ई आई ओ यू हो तो काउंट में क्या हो जाए वन ऐड हो जाए फाइन टू तो फर्स्ट पी को देखेगा पी वॉबल नहीं है ओके okay, तो काउंट नहीं होगा वाई बॉबल नहीं है ये भी काउंट नहीं होगा देन टी बॉबल नहीं है एच बॉबल नहीं है ये भी काउंट नहीं होगा जब ये ओ okay के पास जाएगा तो क्या होगा ओ okay क्या है वॉबल है ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो काउंट में क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा ठीक है अब जीरो की बजाय काउंट क्या हो जाएगा वन ओके देन एन बॉबल नहीं है अगेन पी वॉबल नहीं है ऐसे करके सारे के सारे ट्रेवल्स में एक क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा तो ओ मिला उसने वन हो गया दे मिलेगा तो वो टू हो जाएगा देन ए मिलेगा थ्री हो जाएगा देन आपका आई मिलेगा तो फोर हो जाएगा फाइन तो काउंट कर लेगा फिर आपने लास्ट कमांड कर दे दी टोटल नंबर ऑफ बॉबल्स इन इंसर्टेड स्ट्रिंग्स आर काउंट फाइन तो देखो फोर लूप की हेल्प से आपने क्या किया uh, इसको ट्रेवर्स किया स्ट्रिंग को ट्रेवल्स मीन उसके जितने भी एलिमेंट्स uh, थे जितने भी अल्फाबेट्स uh, थे उनको वन बाय वन एक्सेस किया और फिर चेक किया चेक किया चेक करने के बाद जहां पे आपको वॉबल मिलता गया वहां काउंट की वैल्यू में प्लस वन होता गया ओके एंड इन द एंड आपने क्या किया काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया तो अब देखो लास्ट में क्या है टोटल नंबर ऑफ वॉबल इन इन स्ट्रिंग आर सर्टिंग ओके जो हमने काउंट किया है वो भी फोर है देखो यहाँ पे एक वॉबल ये है ओ देन आपका ये ओ है टू देन आपका ए है थ्री एंड देन आपका आई है फोर ओके तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वॉर्स इन स्ट्रिंग ओके ओके अब हम इसी प्रोग्राम को एक दूसरे मेथड से देख लेते हैं प्रोग्राम टू इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ वोवल्स को इनपुट करेंगे और उसके अंदर कितने ये काउंट करेंगे ठीक है अब आपने क्या किया सबसे पहले इनपुट कराया स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराओगे एस टी आर वोवल के अंदर सॉरी एस टी आर वेरिएबल के अंदर चला जाएगा फाइन अब आपने क्या किया एक लिस्ट ले ली लिस्ट ले ली लिस्ट में आपने क्या लिया है सारे वोबल्स लिए ओके स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स ओके वो लिस्ट का नेम क्या है वोबल्स है फाइन देन आपने एक वेरिएबल लिया काउंट जिसकी वैल्यू क्या है जीरो अब आपने क्या लिया अब आपको क्या करना है, है? ट्रेवर्स है, करना, करना, करना है तो आप फोर लूप का यूज करोगे फोर सी एच इन एस टी आर राइट अब देखो यहाँ पे आपने क्या एस टी आर एंटर कराया था वेलकम टू पाइथन क्लास आपने इसको एंटर कराया था और ये कैपिटल लेटर में सी ओके okay, अब सबसे पहले एक्सेस एक्सेस करेगा w को करेगा को ठीक है अब एक्सेस करने के बाद कंट्रोल क्या जाएगा लूप के अंदर जाएगा वहां पे ही क्या हमने एक और कंडीशन लगाई है इफ सी एच इन वोवस जो w है क्या वो वोवस के अंदर है वोवस में प्रेजेंट है वोवस को चेक वोवस के है हमारी लिस्ट है ठीक है उसको चेक करेगा अगर बॉबल्स में है ए ई आई ओ यू में से कोई है ठीक है अगर है तो काउंट में क्या हो जाए वन प्लस हो जाए काउंट जो वेरिएबल है उसमें क्या हो जाए वन प्लस हो जाए ओके okay, अभी उसकी वैल्यू जीरो है काउंट की वैल्यू क्या है जीरो फाइन तो अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा राइट ओके अभी चेक करेगा e, e है तो यहाँ पे देखो फिर सी एच क्या करेगा e को करेगा, फिर कंट्रोल तो जाएगा इन साइड द लूप जब यहाँ पे जाएगा तो सी एच क्या करेगा इफ सी एच इन वोवल्स वोवल्स को चेक करेगा वॉवल्स क्या लिस्ट है ठीक है वोवल्स की जो लिस्ट है इसमें चेक करेगा क्या जो करेक्टर है जो सी एच के अंदर अभी करेक्टर है वो क्या लिस्ट में से कोई करेक्टर है अगर है तो क्या होगा में हो जाए, okay? way, तो हमने एंड में क्या करा दिया टोटल नंबर ऑफ वर्बल इन इंसर्टेड स्ट्रिंग आर काउंट फाइन जो आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने जो भी वर्बल्स हैं उसका काउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा फाइन अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारा एक वॉबल ई है then second o, then again e, तो तीन ये हो गए okay? तो यहाँ पे देखो तो रिजल्ट भी सिक्स आया है राइट टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स आपके आगे राइट right? स्ट्रिंग को आप कैसे ट्रेवर्स करोगे स्ट्रिंग के करेक्टर्स को कैसे एक्सेस करोगे तो आप लूप का यूज करके स्ट्रिंग के करेक्टर्स को ट्रेवर्स कर सकते हो राइट ओके उनके करेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो एंड एंड वट एवर द फंक्शन यू वॉन्ट टू डू ऑन द करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग यू कैन डू राइट ओके चिल्ड्रेन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विदिक ऑफ द स्ट्रिंग राइट